एवरी वन वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग कैसे हैं आप सभी तो आज मैक आएगा तो मेरा फोर्थ ब्लॉग एंड यस आप लोग बोर्थ नहीं हो रहे हो ना वैसे आज का ये जो है स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि मैं जा रही थी यहाँ के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर माँ जंगली माता यानी जलप्रामा का मंदिर और जब भी हम अपने मायके आते हैं हम सारे जरूर जाते हैं उस मंदिर क्योंकि एक तो बचपन से लगा हुआ है इस मंदिर से तो हम जा रहे थे टोटो से ये मेरे भतीजी थी और ये बहन की बेटी थी मैं थी मेरी बहन थी गुग्गू आरव जो है वो अपने मौसा जी के साथ जा रहे थे बाइक से क्योंकि नहीं जाना था बाइक से बट हम तो मज़े ले रहे थे टोटो से और यहाँ मैं पूछ रही थी कौन सुंदर लग रहा है मैं लग रही हूँ मेरी बहन लग रही है फिर रास्ते में जाते समय ये पाँच पड़ा और काफ़ी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हुई जा रही थी बट सॉरी अगर मेरी वीडियो ज़्यादा शेक कर रही है तो क्योंकि टोटो के पे बैठने पर मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेक करेगी मतलब कुछ बन ही नहीं पा रहा था आगे बस ऐसे ही कुछ हसीन नज़ारे देखते हुए मैंने सोचा आज के लिए ये व्लॉग ज़रूर बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं कहाँ गई थी और कैसे गई थी रास्ते में जाते से मैं ये देखी ये पूरा स्टेशन भी पड़ता है और यहाँ पे आता है भटनी जंक्शन का नाम यहाँ पे स्टेशन जो है मेन स्टेशन हमारा आता है जंक्शन तो स्टेशन भी बड़ा दिनों बाद मैंने देखा था क्योंकि इस बार हम जैसे बस से आए थे ना वो तो गोरखपुर तक ही था तो इसलिए मैं बोल रही हूँ और ये स्टेशन जो था काफ़ी टाइम बाद देखा और फिर लग रहा था यार फिर तो अभी मुझे ट्रेन से जाना ही जाना है वापस और बहुत अच्छा लग रहा था देख काफ़ी ज़्यादा बदलाव लग रहे थे यहाँ से ट्रेन आती है आप सबको पता ही होगा तो ट्रेन की पटरी मुझे जो भी चीज़ें सामने आ रही थी बस मैं रिकॉर्डिंग करती जा रही थी करती जा रही थी ये मार्केट है यहाँ का यहाँ से मार्केट स्टार्ट थी बहुत बड़ी तो मार्केट नहीं है बट हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल भी जाती है मार्केट में आई थिंक ऐसा कुछ ही चीजें होंगी जो नहीं मिलती होंगी लेकिन सारी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं फिर हम बात करते हुए पूरे टोटो से जा रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था यार गाइज बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली बताऊँ मैं यू नो ये कल ये मोमेंट जो है मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और या yeah, ऑफकोर्स फिर से हमें अपनी बिजी लाइफ में बिज़ी होना है जाके तो मैंने मेरे बहन ने कहा सबको मार्केट दिखा दो कि हाँ हमारे यहाँ मार्केट कैसी लगती है तो बस मैं ना मार्केटिंग रिकॉर्डिंग करने लगी और वहाँ सारे ऐसे देख रहे थे कि भाई साहब आजकल सबको पता है ना यार फोन जहाँ हाथ में आए हाँ भाई ब्लॉग ही बना रही है या फिर ऐसे कुछ कर रही है तो वो लोग हंस भी रहे थे मैंने कहा कोई नहीं तो आप ये मार्केट देखो दोनों साइड मार्केट है और बहुत अच्छी मार्केट है हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पर सो इट्स गुड एंड ये है माँ जलपा का मंदिर बहुत ही ज़्यादा गाइस यू नो प्रसिद्ध है ये मंदिर हमने बचपन से देखा इस मंदिर को तो यहाँ जैसे नारियल वगैरह लेने के लिए हम गए और उसके बाद से नारियल लेते समय चेक भी कर रहे थे क्योंकि ये लोग क्या करते हैं टोकरी तो दे, दे देते हैं टोकरी में जो भी सामान होता है बट कभी कभी क्या होता है कि उसमें पानी है या नहीं है ये भी चीज़ ये लोग नहीं देखते तो हम बार बार यू नो टोकरी से जो नारियल था मेरे उसमें पानी नहीं था मैंने निकलवा के फिर वापस दूसरा नारियल लिया और शेक करके वो जिया जी और ये मेरी सिस्टर जो है डिस्कस कर रहे थे कि नारियल का पानी किस में है फिर उसके बाद से हमने टोकरी ली और सीधे अंदर आए माता के द्वार में आ, माता के द्वार में यहाँ उस पर फिर मैंने अपने भतीजी को दे दिया था रिकॉर्ड करने के लिए उस क्योंकि वो कहते थे बुआ आप जाओ मैं रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ पे हमने सारी टोकरी ली हुई थी मैं यहाँ पे हम खड़े थे लाइन से क्योंकि तुरंत गए सबसे अच्छा टाइम हम जो गए थे वो ये था कि वहाँ पे ना आरती भी होने वाली थी स्टार्ट होने वाली थी तो मतलब टू मिनट्स लाइक रह गए थे आरती के लिए फिर हमने जल्दी जल्दी, जल्दी प्रसाद चढ़वाइए आप देखिए माता का दर्शन अंदर कर लीजिए सामने ही दिख रही हैं हमारी माता मतलब क्या बताऊँ मैं बस बस दिल से है, मांगते हैं हम सारे यहाँ पर जो भी मांगते हैं आप पूरा ज़रूर होता है तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा ऑब्वियसली बात बात है कि भाई हम ट्रांसप्लांट के बाद से ना ऐसा सेफली यू you नो know, आते हैं जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है तो मम्मी ने मांगा भी था तो हम ज़रूर आए मंदिर और मंदिर आए हमने प्रसाद भी चढ़ाए यहाँ पे मंदिर से हट के आपको बाहर जाके ये दिया कपूर जो होता है ये सारी चीज़ें आप जला सकते हैं तो मैंने गुग्गु भी हाथ से यू नो कपूर जलवाया नारियल तुड़वाया कहते हैं औरतें नारियल नहीं तोड़ती हैं हर जगह के अलग मान्यताएं है, होती हैं आपके यहाँ क्या मान मान्यताएँ हैं आप ज़रूर बताइएगा मुझे क्या यह बात सच है कि नारियल जो है औरतें नहीं तोड़ सकती हैं तो मैंने भी अपने बेटे से ही नारियल यू नो तुड़वाया फिर उसके बाद से हम पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद से फिर वहाँ स्टार्ट हो गई थी आरती राइट इसी टाइम मैंने जैसे आवाज़ म्यूट कर रखा है बट इसी टाइम पूरे मंदिर में मैं घंटी बजने लगी और वो जो क्या कहते हैं चैंटिंग इतनी अच्छी मुझे लग रही थी ना उस टाइम में गाइस फिर हमने आरती भी अटेंड की और हम सारे माता का आरती भी पूरा किए प्रसाद लिए पूरा मंदिर घूमे सारा कुछ किए बहुत अच्छे से फिर उसके बाद से हम वापस घर आ गए